ज्वेलरी का पता सॉल्व करो। चौबीस तारीख नाइट को मेरे माताजी एक्सपायर हुए थे, मैं उधर गया हुआ था इसी कॉलोनी में है। तो रात भी 6 बजे गए, तकरीबन 6 बजे गए थे हम यहाँ से। तो जब सुबह 6:30 बजे मैं अपने घर आया तो देखा कि ताले टूटे हुए थे दोनों, ये ताले टूटे, उस दरवाजे का भी ताला टूटा हुआ था, इसका भी ताला टूटा हुआ था, और ये गेट है इसका भी ताला टूटा हुआ था। जब मैं ये अंदर एंट्री की मैंने तो देखा अलमारी के अंदर जो भी सामान है सारा बिखरा पड़ा हुआ है, और उसके अंदर मेरा जो भी सोना था, चांदी थी, और कैश नकदी भी था मेरे पास कुछ, तो वो सारा लेके गया वो। कितने का नुकसान हुआ, कितना आपका कैश था? नुकसान देखो, अभी पुलिस वालों ने मेरे को रोका भी किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाना, तो उसके हिसाब से मेरे पास को 2 लाख से ऊपर नकदी भी था और सोना भी था, जो अभी तक मैंने सामान को किसी को टच नहीं किया। अभी क्या हो सकता है कि कोई एक आधी चीज़ अंदर मिल जाए या ना मिले, जब मिलेगा तभी पता लगेगा। अनुमानित 5-7 लाख रुपए का? हाँ जी, हाँ जी, बस 5-6 लाख ऐसे कुछ। तो आपने पुलिस में शिकायत दी? हाँ जी, हाँ जी, पर्चा दर्ज कराए, चौकी में भी गए थे, थाने में भी गए थे, वहाँ पे गए थे, अभी आए थे पुलिस वाले, अभी वो गए हैं, फिंगरप्रिंट वाले आएंगे अभी, फिर देखते हैं। चोरी वारदात हुई है आज सुबह, हमें सूचना मिली थी रात्रि के समय में वार्ड नंबर 9 के मकान में चोरी होगी, जिस सूचना पर हम यहाँ मौके पर आए और हमने जाँच की, उसी ने क्राइम टीम को मौके बुलाया हुआ है, एक मुकदमा दर्ज कर दिया है। 33,000 कितने की चोरी? अभी अभी जब सीन ऑफ क्राइम टीम चेक कर लेगी, उसके बाद सामान चेक करने के बाद जो सूची देंगे उसके मुताबिक पता लग पाएगा कितनी चोरी।